कौन है? बार बार घंटी बजाया जा रहा है, आता हूं देखता हूं कौन है। हाँ भाई। अरे भाई सर मैं इतने सुबह सुबह, चलो भीतर आओ, जल्दी भीतर आओ, बाहर कोरोना का खतरा है। बताओ भाई क्यों आना हुआ, क्या काम पड़ गया सुबह सुबह? भाई साहब आपको तो पता ही है, कल से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है, अब घर में बंद बंद का करें भाई साहब, सोचा समय का कुछ सदुपयोग किया जाए तो आपके पास आ गए, कुछ किताबें दे दो अच्छी सी, ताकि अपना लॉकडाउन सार्थक हो जाए, कुछ अध्ययन वगैरह हो जाए। देखो ये पुस्तकें तो दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। का शर्त है भाई साहब? सब पुस्तकें पढ़ने के बाद उनका सारांश तुमको बताना पड़ेगा, इसी शर्त पर मैं किताबें दूंगा तुम्हें, मंजूर हो तो बोलो। जी सर तो मंजूर है भाई साहब, जामा कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी भाई तुमने रामायण देखी, दूरदर्शन पे सरकार के विशेष सहयोग से जनता की मांग पे रामायण का प्रसारण हुआ, तुमने भी देखी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। पर कई बार क्या है, चीजों को और अलग ढंग से समझना चाहिए, तो मैं तुमको एक किताब देता। ये जो किताब है ये डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी के, बड़े साहित्यकार हैं और ऐसे विषयों पर खूब लिखते रहे, मेरे राम मेरी राम कथा। तो डॉक्टर नरेंद्र कोहली की एक किताब पढ़, ये किताब तुमको रामायण के बारे में एक नई दृष्टि देगी। एक और किताब मैं तुमको देता हूँ, बाबा साहब की है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिनको हम प्यार से कहते हैं, उनकी पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। अब एक और किताब है, साहित्य है, उपन्यास है, ये कन्नड़ के बहुत प्रख्यात लेखक हैं एसएल भैरप्पा, उनका ये उपन्यास है आवरण, ये बहुत चर्चित उपन्यास है उनका, भारत के इतिहास के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे लिखा गया है। और इस उपन्यास की खासियत ये है कि इसमें तुमको ये पता चलेगा कि भारत के इतिहास को योजनापूर्वक कैसे खराब करने का प्रयास किया गया। एक ये दीजिए, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अग्नि परीक्षा, पहली अग्नि परीक्षा, संघ को अनेक अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी हैं, तब उसकी यात्रा जारी रही है। तो इस किताब में, ये जो किताब है ना, इस किताब में आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे संघ राष्ट्रीय विचार के एक संगठन को दबाने का प्रयास, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया, उसको साजिश रची गई, वो सब तुमको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, ये आत्मकथा है स्वातंत्राय वीर विनायक दामोदर सावरकर की, ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, इसमें सावरकर के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, ये उनकी खुद की, उन्होंने खुद ने लिखी, वे प्रख्यात लेखक भी थे। तो अक्सर अपन सुनते हैं सावरकर के बारे में कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है, दरअसल वो सावरकर को जानते नहीं कि सावरकर है क्या, सावरकर ने किया क्या, उनको पता ही नहीं, सुनी सुनाई बातों पर वो भौंपूसा अपना बजाने लगता है। तो इस किताब में सावरकर के संघर्ष और वेदना के पृष्ठ हैं, जब आप उनको पढ़ोगे तो सावरकर क्या है ये आपको समझ में आएगा, और फिर उसके बाद आप समझ पाओगे कि जो सावरकर का अपमान करते हैं वे कितने चिरकुट लोग हैं। ठीक है, तो ये 5 किताबें ले जाओ अभी के लिए और खूब पढ़ो। 5 इसलिए दे रहा हूँ कि बार बार नहीं आना पड़ेगा भाई साहब। अपना तो लॉकडाउन बहुत अच्छे से गुजरने वाला भाई साहब, घर में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब।